बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं इनसाइट बिजनेस यूट्यूब चैनल, मैं आपका मेज़बान एम रफीक। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इनसाइट बिजनेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों आज आपको सिखाने जा रहा हूँ हेयर रिमूविंग क्रीम। ये फार्मूलेशन इतनी प्यारी फार्मूलेशन है कि बाज़ार में जितनी क्रीमें इस वक्त सेल हो रही हैं वो कुछ अरसे के बाद आपकी स्किन को ब्लैक करना शुरू कर देती हैं, लेकिन इस क्रीम की ये खूबी होगी कि ये आपकी जिल्द को ब्लैक नहीं करेगी। आपके मतवातर इस्तेमाल करने के बाद कुछ अरसे के बाद ये आपके बालों की ग्रोथ कम करना शुरू कर देगी। हालांकि जो बाज़ार में क्रीमें हैं वो आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाती हैं, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता आपके बालों की ग्रोथ को कम करना शुरू कर देगी। दोस्तों चलते हैं प्रैक्टिकल वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने जो इंग्रेडिएंट्स लेना है वो है चैना कले। चैना कले तीन चार कलर का होता है, आपने ब्लैक नहीं इस्तेमाल करना, बाकी जो मर्जी इस्तेमाल कर लें। अगर ब्लैक इस्तेमाल करेंगे तो फिर क्रीम का कलर अच्छा नहीं आएगा, इसलिए ये देखें ये मेरे पास वाइट कलर का है। आप कोई भी और कलर यूज़ कर सकते हैं लेकिन ब्लैक नहीं करना। चैना कले आपने लिया 50 ग्राम। नंबर दो पर है जिंक ऑक्साइड, ये आपने लेना है 15 ग्राम। ये इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स करना है। नंबर तीन पर आपने जो केमिकल लेना है वो है बेरियम सल्फाइड, ये आपने लेना है 40 ग्राम। ये इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। नंबर पाँच पर आपने लेना है सोप स्टोन, ये आपने लेना है 20 ग्राम। इसको मिक्स किया इसके अंदर। दोस्तों ये हार्ड प्रोसेस नहीं है इस क्रीम की, ये भी खूबी है कि ये आप इसको बिल्कुल चंद केमिकल मिक्स करें और क्रीम तैयार कर लें। तो अब अगला केमिकल जो है कास्टिक सोडा पर केजी आपने डालना है 5 ग्राम। 5 ग्राम कास्टिक सोडा लेना है, थोड़ा सा पानी डाल के उसको डिजॉल्व कर लेना है। ये मैंने डिजॉल्व किया हुआ कास्टिक सोडा है, ये इसके अंदर डाल दिया। अब इससे अगला केमिकल जो है वो है PEG 6000। दोस्तों ये है PEG 6000 पॉली एथालीन ग्लाइकोल 6000, ये आपने डिजॉल्व करनी है। ये आप डालेंगे पर केजी 10 ग्राम, ये मैंने डिजॉल्व की हुई है, ये इसके अंदर डालेंगे। अच्छे तरीके से इसको मिक्स किया। अब इसके अंदर प्रिजर्वेटिव डालना है PPS और MPS, ये पर केजी आप 10-10 ग्राम डालेंगे। ये मैंने डिजॉल्व किया हुआ है, ये गर्म पानी में डिजॉल्व करके क्रीम के अंदर डालना है। ये डाल के आप मिक्स करेंगे इसको अच्छे तरीके से। अब आखिरी इंग्रेडिएंट्स जो है वो है वाटर। आपने इसके अंदर हसबे ज़रूरत एज पर रिक्वायरमेंट इसके अंदर पानी डालेंगे। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये तकरीबन 6 से 7 इंग्रेडिएंट्स में आपकी क्रीम तैयार हो गई है। अब आपने क्या करना है, मैं तो आपको वैसे तैयार करके दे रहा हूँ इधर, लेकिन आप ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप डाल के कम से कम 15 मिनट मिक्सर को चलाएंगे। अच्छे तरीके से ये जितनी मिक्स होगी, अगर आपके पास मिक्सर नहीं है तो चैना कले को आप पहले पानी के अंदर अच्छे तरीके से आप उसको मिक्स करेंगे और उसके बाद बाकी इंग्रेडिएंट्स डालकर बाकी अज्जा डालकर आप इस क्रीम को तैयार कर लेंगे। दोस्तों ये देखिए ये क्रीम कितनी प्यारी, ये देखिए ये तैयार है। आप जितनी गाड़ी रखना चाहें उतनी गाड़ी रख के आप इस क्रीम को पैक करें, मार्केट में सेल करें। ये बहुत अच्छी फार्मूलेशन है, ख्वातीनों हजरात दोनों इसको कर सकते हैं। आप अपना ट्रेडमार्क करवाइए, अपनी फर्म रजिस्टर करवाइए।
अच्छा सा जार लें या ट्यूब में पैक करें, अच्छी पैकिंग करें। अगर अच्छी क्वालिटी के आप क्रीम बना रहे हैं तो फिर अच्छी क्वालिटी की पैकिंग भी होनी ज़रूरी है। जितनी अच्छी पैकिंग होगी इतना ही दुकानदार और कस्टमर आपकी आपकी प्रोडक्ट को ख़रीदेगा। तो इस प्रोडक्ट का ये है कि ये बहुत ही बेस्ट कारोबार है, बहुत ही बेस्ट बिजनेस है। इसको आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट से। आप इसको 15,000 से 20,000 रुपये में बाइजली स्टार्ट कर सकते हैं और इसको अच्छी सेल कर सकते हैं, अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। तो दोस्तों अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।